हम लोग का हो गया है पैकिंग। चलो अभी इसको रख देते हैं। वेलकम बैक टू फूड नेक्टिक ब्लॉग्स। तो आज मैं पूरे एक महीने बाद फूड नेक्टिक ब्लॉग्स में आई हूँ। तो आज कोई ईटिंग चैलेंज नहीं कर रही हूँ, एक ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग। हमारा एनिवर्सरी है 9th of December को, कल का है वो। मेरे लिए बहुत सरप्राइज है, मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज प्लान किया है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना ही बोला मुझे कि तू ब्लॉगिंग कर और पैकिंग करना चालू कर दे, क्योंकि कहीं लेके जा रहे हैं। सिचुएशन भी ऐसा है कि अभी हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, तो हस्बैंड ने इतना ही बोला है कि नज़दीक है, महाराष्ट्र में ही है, हम लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं जा रहे। तो तो तुझे, तुम दोनों को बहुत पसंद आएगा ये सरप्राइज। तो कहाँ जा रहे, क्या कौन सा जगह है वो हम लोग को नहीं पता, शायद से आज रात को बता दे या तो कल सुबह तक बता देंगे। अरे मैं बाहर तो, बैठा था। अरे कुछ तो मम्मी का ब्लॉगिंग देखा, लग रहा था मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है, तो अंदर आके देखा सच्ची में ब्लॉगिंग चालू है। तो आज हम लोग ने फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, वो भी हम लोग का एनिवर्सरी का। एनिवर्सरी का मतलब अच्छा, अभी एक महीने से हम लोग ने ब्लॉगिंग किया नहीं है। 17th को हम लोग ने ब्लॉग पोस्ट किया था वेदांत का 7th बर्थडे, उसके बाद में हम लोग ने नहीं किया। तो अभी एनिवर्सरी का ब्लॉगिंग बना रहे है, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, वो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। देखा स्पाइडरमैन, ये इसका। तो अभी हम लोग पैकिंग के लिए रेडी हो रहे, बहुत सारा कपड़ा निकाल के रखा है, क्या लेके जाने का, क्या लेके जाने का। बेड में देखिए पूरा कचरा भरा हुआ है, बेड को कचरा घर बना के रखा है। ये देखिए बेड पूरा कचरा घर बना के रखा है। तो अभी हम लोग सामान रेडी कर रहे हैं, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो जो जो हम लोग को अच्छा लग रहा है ड्रेस, वो ये हाँ वो हम लोग रेडी कर रहे। तो गाइस ये देखिए हमारा पैकिंग, और हमारा बैग भी बहुत गंदा हो चुका है। और अभी मैं सूटकेस लेने जा रही हूँ। जाओ सूटकेस लेने, मैं तो पार्टी करूंगा। गाइस मैं सूटकेस लेके आ गई हूँ, अभी इसमें हम लोग पैकिंग करने जा रहे हैं, माँ बेटे का सामान और मेरे हस्बैंड का सामान, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी ऑफिस गया हुआ है। तो अभी हम लोग पैकिंग करने के बाद में आज 8th night को थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये रूम को थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूँ बलून वलून का। तो ये सब पैकिंग करने के बाद मैं बलून का डेकोरेशन करूंगी, वो मैंने सरप्राइज रखा है, हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो केक भी ऑर्डर करना है, और शायद से मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी केक। तो अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, ये वेदांत का ड्रेस है, हाँ ये मेरे एनिवर्सरी का ड्रेस है। तो ये है मेरा एनिवर्सरी का गाउन। तो अभी मैं इसको पहले पैक करूंगी, क्योंकि ये बहुत वजन है, तो शायद से यही आधा जगह तो सूटकेस में ले लेगा, बाकी और भी पैकिंग करना बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसी को ही डाल दूँ फोल्ड करके। देखो आधा जगह इसी ने खा लिया अभी। हाँ मैंने जो लिया है मेरे हस्बैंड के लिए वो है, मेरे हस्बैंड के लिए लिया है ये जीन्स, वो उनको बहुत ही सिंपल टाइप के कपड़े पसंद है इसके लिए। फिर भी अभी थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा अभी फंकी टाइप का लिया है। और ये है शर्ट, ये है शर्ट जो जींस के ऊपर पहनेंगे, और ये
और फिर ये टाइम मैंने ऐसे टाइप का टी शर्ट लिया है, तो ये भी सूरज के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सब मेरे पसंद का है, तो ये अभी मैं पैक कर दूंगी, क्योंकि अभी पैक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल बोल रहे कि मॉर्निंग का है और ट्रेन किधर जा रहे, क्या कौन से जगह है नहीं पता, बस इतना बोला कि मॉर्निंग का 7:30 का ट्रेन है हमारा। तो बस अभी तैयारी कर रहे हम लोग, तो अभी ये फटाफट से मैं पैक कर दूंगी। ओ वेदांत, तो इसका तो इतना सारा पार्टी वेयर है, पता नहीं पबजी बोलते रहते तो आर्मी का पूरा सेट है, तो वो पबजी सोच के पहन लेगा इसको, तो ये कल जाने के टाइम पे पहनेगा। ये है उसका, ये है उसका पार्टी वेयर, ये इसका पार्टी वेयर है, पता नहीं क्या क्या पहनेगा। मैंने 2-3 तो लिया है उसके लिए, और वो बहुत ही और इतना स्टाइल करते है लड़का, पता नहीं क्या डालू क्या नहीं डालू उसको, और इतनी सारी उसने गॉगल्स का, मैं आपको बता दे, ये देखिए इतनी सारी है उसके पास गॉगल्स का सेट। तो आज फिर से मैं जब भी मेरे फ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये और मैंने ये उसके लिए नया गॉगल्स, ये तो फिर से नया लेके आ गई, और ऑलरेडी उसके पास इतने सारे गॉगल्स है। ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये फेवरेट नहीं है, ओके, ये है फेवरेट, ओके, मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट ग्रीन वाला, ओके, ये इसका बहुत फेवरेट है ग्रीन वाला, तो शायद से कल ये पहन के जाएगा आर्मी के साथ में। इसके लिए तभी मैंने ये लगा के पहले किया था और मैंने सब कुछ। अच्छा, तो ये कल वो पहन के जाएगा उसका आर्मी सेट, है ना? हाँ, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का कल शायद से पहन के जाएगा, क्योंकि ये उसका बहुत फेवरेट है। और ये है ब्लैक, तो ये सब है कलेक्शन। तो मैं अभी उसके लिए और ये 3, हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 3 बस हो गया, तो 3 लेके जाऊंगी, और बाकी उसका पसंद का है तो लेके जाना है तो वो लेके जाए। और ये हो गया, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है मास्क, तो ये भी मैंने मास्क उसके पास ऑलरेडी है वेदांत के पास, तो मैंने फिर से नया लिया है, ताकि वापस स्टैंड बाय हम लोग को जा रहे तो लेना पड़ेगा, तो मैंने 4-5 जोड़ी लिया है मास्क का, तो ये भी मैंने अलग से इसमें पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी ऐसा सिचुएशन है कि ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है, वेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मास्क तो किसी को बाहर निकलना ही नहीं है, और मेरे पास भी मास्क का तो कलेक्शन बहुत ही है। तो ये ब्लॉगिंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको मेरा कलेक्शन मास्क का बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मास्क का कलेक्शन है, ड्रेस के हिसाब से मास्क है, तो ये ब्लॉगिंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं फटाफट दिखाती हूँ मैं क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ। चलो अभी लग जाओ काम में। हम लोग का हो गया है पैकिंग, चलो अभी इसको रख देते हैं बाहर, तो अभी यहाँ का मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग को डेकोरेशन करना है, सो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में डेकोरेशन के टाइम पे, सो मैं इस तरह से जा रही हूँ। तो अभी आगे का करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में डेकोरेशन के टाइम पे, टिल देन स्टे ट्यून। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो,
और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में डेकोरेशन के टाइम पे। सो गाइज, अभी हम लोग बलून का डेकोरेशन करने वाले हैं। तो मैंने ये लिया है बलून फूकने वाला पंप, और ये बलून पंप लेके आ गया, क्योंकि मुझे नहीं होता है, मुझे डर लगता है। तो ये है 9th एनिवर्सरी का नंबर 9, और ये है हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर। सो अभी हम लोग करने जा रहे हैं बलून को ब्लो। मैं पहले करूंगा, ओके? तो अभी मुझे बलून फूकने से डर लगता है, इसके लिए ये ब्लोअर तो बलून फूकने वाला लेके आई हूँ। कितने ट्राई कर लेती हूँ, तुम फूक इसमें करो। फूको? मैं फूकती हूँ, डर लगता है मुझे बलून फूकने से। क्या डरपोक है ना? मैं करूँगा। आप ट्रम्पेट बजा रहे हो? मुझे डर लगता बहुत बलून फूकने से। अरे यार कैसे करूं? अरे उड़ उड़ गया मेरा तो। मेरे बाबा बहुत कैसे करते हो, मुझे डर लगता बहुत। क्योंकि मामी डर पूछ रही है। अरे वो भी गया। आप कहाँ उड़ गया? अरे बापरे, बस हो गया इतना। फाड़ करके जाएगा लगता है। मैं बलून वैसे फूकती नहीं हूँ कभी भी, लेकिन आज अकेली हूँ तो फूकना पड़ रहा है, वरना कोई ना कोई घर पे रहता है फूकने के लिए। आज किसी को बोला नहीं है इसके लिए, मुझे डर लग लग के कर रही है। ये भगवान, मेरा देखो, चलिए एक बलून। मैंने खुद फुला के इतना किया, अब मेरे पर टाइम करने का। पहले हार्ट शेप वाला लेती हूँ, तो बाकी नॉर्मल है, और ये है हार्ट शेप का बलून। अरे भाई, अरे झूठ से फूटे फूको बाबा, मुझे डर लगता है। बाबा ये भी है, फूट रहा है ये भी। आपको बहुत डर लगता है, मेरे को दिखो। आप उसको सिर्फ पकड़ो, मैं करता है। मुझे पक्का फोड़ोगे? मैं पहले गारंटी दे रहे, गारंटी फोड़ोगे? ये आज रुके इसमें एक सेकेंड, वो फूक ही नहीं रहा है। अभी किसको बोलूं? ये आप ना सब वेस्ट कर दो। अरे रुको रुको रुको, एक तो फूट रहे वैसे। भगवान क्या है ये? अरे बाबा ये गया। अभी ये मेरा बैनर रेडी हो गया है, अभी मैं इसको ये वॉल में लगाने जा रही हूँ।
ऊपर का वो आपने अभी किया है ना, वो भी दिखा दूंगा इसको। ऊपर का आपने जो किया है ना आई लव यू वाला, वो तो दिख रहा है। वाओ। सो गाइस, डेकोरेशन इसका हो गया हमारा, लाइटिंग का और बैनर का। तो अभी बलून लगाना बाकी है, तो अभी हम देखते हैं कि बलून कहाँ लगाना है। अभी या तो ऊपर लगाएंगे या तो साइड में लगाएंगे, अभी सिर्फ बलून का ही काम है। हाँ, अभी बलून का काम तो मिल और जाएगा। इसके बाद में मुझे यहाँ पर बेडशीट भी लगाना है, क्योंकि बेड बहुत मेश हो गया है, बहुत गंदा हो गया है। तो अभी इसी का मैचिंग का मुझे बेडशीट लगाना है। अभी यहाँ पर इसको भी हीरो बना देना। हाँ ठीक है, इसको भी हीरो बना देंगे थोड़ी देर में। तो ये इतना हमारा देखिए हो गया है। तो अभी आगे का डेकोरेशन पूरा होने के बाद आपको वीडियो दिखाऊंगी। तब तक मैं इसको सब ठीक कर लेती हूँ और बलून का डेकोरेशन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में फाइनल डेकोरेशन में आपको दिखाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हमारा ये डेकोरेशन रेडी हो गया है, ये देखिए। ये देखिए बेडशीट भी लग गई है। ये देखिए, सो ये हमारा डेकोरेशन है। बलून ज्यादा हम लोग ने नहीं फुगाया, क्योंकि वॉल पे मैंने सोचा कि ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसके लिए वॉल पे बलून्स नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा ही ब्लो करके यहाँ पर बेड के ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया है। सो ये देखिए, और ये जो मैंने ये बेडशीट बिछाया है वो मैंने अमेजन से लिया है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। पहले एक्चुअली ये बेडशीट लिया था, तो बाद में पता चला कि इसके साथ एकदम से मैच हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये ट्वीन हाँ हार्ट, और ये हार्ट है, और यहाँ पर भी बड़ा और छोटा और स्टार। हाँ, स्टार तो सिमिलर है यहाँ का, ये स्टार और ये जो हार्ट शेप का है, तो ये देखिए सिमिलर हो गया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे हमारा लाइटिंग इफेक्ट। तो देखिए अभी हमारा लाइट ऑन करो, जाओ वेदांत लाइट दोनों लाइट ऑन करो, तो मैं आपको ये आप बंद करो दिखाती हूँ लाइटिंग इफेक्ट। बंद करो मम्मी, ऑन करो। ये देखिए हमारा डेकोरेशन लाइटिंग इफेक्ट, उधर भी दिखा दो। ये देखिए, ये देखिए, सो ये है हमारा लाइटिंग इफेक्ट। सो बस हो गया हमारा स्वीट एंड सिंपल डेकोरेशन। सो गाइस, अभी 12 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे। सो आज है हम लोग का एनिवर्सरी, तो 12 बजने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एनिवर्सरी का केक, सूरज एंड साई ज्योति। थैंक यू। चल अंदर कटिंग करने। तो गाइस, कितना अच्छा है केक, देख के मुंह में पानी आ गया मुंह पे। तो ये है हम लोगों का केक। चलो केक कटिंग करेंगे। ये केक ना किसने भी चॉइस नहीं किया, ये केक मैंने चॉइस किया है। हो गए, तुम्हारा आवाज आने वाला नहीं। शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है, साथ बीते हर पल की याद ये दिलाता है। अपने घर की गलकारी तेरी परछाई है, तेरे मेरे प्यार की ये वही निशानी है। हर खुशी वहाँ है, साथ तू जहाँ है। अब ये क्या है, मो इतना बड़ा है ये छोटे, मेरे को बड़ा दो। थैंक यू।
ये है गिफ्ट। कौन देगा गिफ्ट? क्या लाया रे भाई? कुछ नहीं है। सिंपल है। मेरा तो पेंडिंग रहा, मैं तो कल ही देगा। उधर ही है मुझे सरप्राइज। किधर? उधर। किधर? हाँ जी भाई साहब, ये बन जाएगा हमारा ब्लॉग। ये हो गया हमारा एनिवर्सरी ब्लॉग। तो अभी हम आपको मिलते हैं कल के ब्लॉगिंग में। डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन ही निकलने के टाइम पे हम लोग जा रहे, वो भी दिखाना है ना, वो दिखाना है ना। हाँ तो कल आपको हम कल के ब्लॉगिंग में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और कल ना और सुबह सुबह मैं उठूंगा ना तो आप मेरे को नहीं से देखोगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो भी सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल कल सुबह। अभी बज रहे हैं 7 o'clock मॉर्निंग का। तो अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी है। ये देखिए मेरा सामान और यहाँ पर पैकिंग भी रेडी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी कहाँ जा रहे हो तो हमको नहीं पता है, अभी शायद से पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो मिलते हैं हम आपको। हाँ आपको स्क्विड गेम खेलना है? खेलना रहेगा ना। अरे पीछे का पहले ये दिखाने का। अरे आई पीछे का नंबर है ना। चलो गाइस फिर मिलते हैं हम आपको थोड़े देर में। अभी हम लोग निकल रहे हैं तो देखते रहना हमारे वीडियो को। स्टे ट्यून्ड। हे बहन, हे तू, हाय ये बैठे हैं सूरज एंड वेदांत। सूरज हेलो। हाय हाय। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन का। तो कहाँ जा रहे सूरज? हम लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे तो गाइस अभी हम लोग बैठे कल्याण स्टेशन में ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। कौन सा ट्रेन है ये तो बता दो। कौन सा ट्रेन है? कौन सा ट्रेन है? कौन सा ट्रेन है? ट्रेन का नाम ये बिल्कुल नहीं बता रहे क्योंकि वो सरप्राइज है वे कि हम लोग कहाँ जा रहे तो पता नहीं चलना चाहिए। बेदू तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन का। तो ट्रेन का टाइमिंग है कितना? 7:55 का ट्रेन है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कल्याण स्टेशन में रुके हैं। तो देखते हैं अभी कौन सा ट्रेन आता है तो उसमें से पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाय, कुछ बोलना आपको? फाइनली हम लोग वन सेकेंड फाइनली हम लोग पहुंच गए ट्रेन के अंदर और वो भी एसी वाला ट्रेन है। तो आपको किधर जाना है? मेरे को इनको पूछो कहाँ जा रहे हैं आप? घूमने जा रहे हैं। घूमने? अरे अच्छी बोलो ना कौन सा जगह घूमने। चलो वो अभी भी सरप्राइज रहेगा आप लोग के लिए है ना। सो
अभी भी वो प्लेस जो है आप लोग के लिए सरप्राइज है, तो देखते रहना हमारे चैनल को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर हमारे चैनल में नए हो तो भी सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपको डायरेक्टली डेस्टिनेशन में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून। स्वागत से करेंगे स्वागत। अभी हम लोग जस्ट ट्रेन से उतर गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को डाउट हो रहा है कि कहां पर हम लोग आ गए, तो अभी थोड़ी देर में नाम का पता चल जाएगा। तो देखते रहना कौन सा है हम लोग का वेदू। चलो अभी फाइनली हो ही गया है, जा रहे हैं हम लोग। हाँ, इतना मालूम है कि हम लोग 3 दिन रह रहे हैं, तो होटल में जाना पड़ेगा, ये इतना तो पता चल गया है। तो ये हम अभी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो अभी ओ वहाँ पर मुझे दिख गई, ये है हम लोग आए हैं लोनावाला। आई लव लोनावाला। वाह वेदू, लोनावाला सूरज किधर? एक सेकेंड रुको 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 रुको। नाउ वी आर इन लोनावाला। आई लव लोनावाला वेदू, लुक हियर। तो ये है लोनावाला, हम लोग आए हैं लोनावाला में। तो ये है हमारा सरप्राइज फ्रॉम सूरज। तो यहाँ से अभी हम लोग ऑटो पकड़ रहे हैं, होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल का नाम तो गाइस ये है हमारा होटल। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं होटल। ये है मेरिटेज क्रिस्टल रिसोर्ट। तो यहाँ से हम अभी एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए देखा। अब बोलो मैं। अरे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अच्छा है, रेस्टोरेंट नहीं है ये, मैं तो भूल ही गया। हाँ, रिसोर्ट है। चलो सी, अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यही रिसेप्शन। Come, let's go.
क्या तो मुझे किधर दिया पासवर्ड दिया नहीं पूछ लेती हूँ ना सो ये आ गए हैं हम लोग अपने होटल रूम में तो लाइट ये है शायद से अच्छा ये देखिए ये है हम लोग का होटल रूम देखिए तो ये आ गए हैं हम लोग अपने रूम में मास्क उतारो हाँ बाप रे सुबह से मास्क पहना है फाइनली अभी मुंह से मास्क उतर रहा है हाँ निकालो तो ये देखिए होटल का बाहर का व्यू चप्पल निकालो हाँ सॉक्स भी निकालो हम लोग अभी फाइनली रूम पे हैं अभी तक एंड नहीं हुआ है ये वीडियो तो जस्ट हम लोग मुंबई से निकल के लोनावला का रिसोर्ट पहुँचने तक का ही है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके लिए हम ये वीडियो को पार्ट बाय पार्ट दिखाएंगे तो आप तीनों पार्ट को एंजॉय करके देखना सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा देन सेकेंड पार्ट देन थर्ड पार्ट जरूर देखना तो आपको कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो लाइक करना कमेंट करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना तो अब हम आपको मिलते हैं पार्ट टू पार्ट थ्री की वीडियो में टिल देन वीडियो को भी मतलब क्या बोल रहा हूँ मेरी वीडियो बोलता हूँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना नहीं तो फिर आपको ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और सो टिल देन स्टे ट्यून्ड